बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन आईटी का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज हैकिंग और हैकिंग किस लिए की जाती है और इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो लेक्चर नंबर 18 में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। व्हाई डू पीपल हैक, हमने वहाँ पर बताया था जी कि जस्ट फॉर फन, शो ऑफ देयर नॉलेज, हैक अदर सिस्टम सीक्रेटली, डिस्ट्रॉय एनिमीज कंप्यूटर नेटवर्क ड्यूरिंग द वॉर फॉर प्रॉफिट एंड सम अदर क्रैक फॉर सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। तो लोग इसलिए किसी दूसरे के सिस्टम को हैक करने की या उसके सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो इसके अंदर हमने फर्दर ये पढ़ा था कि जी साइकोलॉजी क्या है हैकर्स की, हैकर्स क्यों लोगों की इंफॉर्मेशन को इनलीगली अनऑथोराइजली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था जी कि ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री, क्योंकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन फ्री होती है। जो आपके पास कंप्यूटर की एक्सेस होती है वो अनलिमिटेड होती है और वो भी फ्री होती है। फिर इस तरह से आपके पास ये है कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, क्रिएट ब्यूटी ऑन कंप्यूटर। यहाँ आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं या आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में या नेटवर्क के बारे में कितनी हावनाव है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हैकिंग पढ़ा था। हैकिंग के अंदर हमने डिफरेंट हैकिंग्स का डिस्कस किया, जिसमें पासवर्ड हैकिंग थी, सॉफ्टवेयर हैकिंग थी और नेट हैकिंग थी। फिर उसके बाद पासवर्ड हैकिंग के अंदर फर्दर टू टाइप्स को डिस्कस किया, ब्रूट फोर्स अटैक्स को और हमने डायरेक्टरी अटैक्स को डिस्कस किया। फिर आईपी एड्रेसेस की बात की। आईपी एड्रेस आपको पता है यूनिक एड्रेस होता है, 32 बिट्स, आईपीवी वर्जन 4 जिसमें 32 बिट्स के एड्रेसेस होते हैं और आईपीवी वर्जन 6 जिसमें 128 बिट्स के एड्रेसेस होते हैं। इसी तरह हम पोर्ट की बात की, डिफरेंट पोर्ट्स यूज होती हैं आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, आप जो जिसमें पर्टिकुलर सर्विसेज जो है वो रनिंग हो रही होती हैं पर्टिकुलर पोर्ट्स के ऊपर। लाइक हमने पोर्ट 21 FTP की बात की, पोर्ट 23 टेलनेट की बात की, पोर्ट 80 HTTP की बात की और इसी तरह पोर्ट 25 मेल की बात की थी। ऐसे ही हैकर्स कौन कौन से टूल यूज करते हैं हैकिंग के लिए, उसमें स्कैनर्स हैं, टेलनेट थे, FTP थे और लैन वॉचेस, इसको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फर्दर इस हैकिंग से रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली है क्या चीज़? नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली हमारे पास कहता है दिस सिक्योरिटी इज मच लार्जर देन जस्ट पैकेट्स, फायरवॉल्स एंड हैकर्स। सिक्योरिटी इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, लाइबिलिटीज एंड लॉज, ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं फायरवॉल्स के, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के, प्रॉक्सीज के, इंक्रिप्शन के, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के, हैक्स क्रैक्स एंड अटैक्स। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर हम इसको एक नाम देते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है कि अंडरस्टैंडिंग द हैकिंग टूल्स एंड हाउ अटैक्स आर कैरिड आउट इज ओनली वन पीस ऑफ द पजल। अब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें नेटवर्क सिक्योरिटी से रेलेवेंट अटैक्स का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे कंप्यूटर से, हमारे नेटवर्क से, या हमारे किसी डेटा को, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जा सकता है। तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के अटैक्स हैं, जिसमें हम स्पूफिंग अटैक्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, टेलनेट बेस्ड अटैक्स हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, यहाँ पे आपके पास डॉस अटैक्स और डी डॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स भी आते हैं, पिंग टू डेथ डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक्स हैं और हमारे पास मेल बॉम्ब्स। तो ये हमारे पास वेल नोन, हमारे पास फेमस अटैक्स हैं जो हमारे नेटवर्क के ऊपर किए जाते हैं, जिसके जरिए से कोई भी आपका हैकर या वो पर्सन जो इनलीगली अनऑथोराइजली आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, तो इन अटैक्स को बेस बनाते हुए आपके सिस्टम से, आपके नेटवर्क से डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, नीड फॉर सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम सिक्योरिटी यूज़ क्यों करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स है कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। तो
तो नंबर वन कहते सम एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड यू बेस्ट सिक्योरिटी, लाइक हमारे पास ट्रोजन्स हैं और हमारे पास फायरवॉल्स हैं। अब ट्रोजन्स का जब हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो इससे रेलेवेंट एक इंग्लिश फिल्म भी बन चुकी है ट्रॉय। तो ट्रॉय बेसिकली उसके अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रोजन हॉर्स का, कि वो लोग उस घोड़े के अंदर छुपे हुए थे। तो जब वो रात हुई तो वो सारी जो वो सिटी थी, वो लोग सारे सो रहे थे, वो अपने अपने घरों में थे। तो वो लोग जो छुपे हुए थे उस घोड़े के अंदर, उन्होंने सीक्रेटली उस सिटी के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से उस पूरे ट्रॉय सिटी को बहुत नुकसान हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह ही ट्रोजन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ट्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वाइटली चेंज हो रहा है। समटाइम्स हमें ये लगता है कि ट्रोजन एज अ वायरस है, और समटाइम हमें लगता है कि ट्रोजन एज अ हमारे पास एंटीवायरस या प्रोटेक्टर काम कर रहा होता है। तो इसको भी जरा डिटेल में देखते हैं। ऐसे फायरवॉल्स का कॉन्सेप्ट है, फायरवॉल्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि फायरवॉल्स हम क्यों यूज करते हैं, तो बेसिक जो पर्पज है फायरवॉल का वो क्या है। तो इससे पहले जो हमारे पास आज अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्लेम करता है कि जी टुडे मोर देन 1.2 बिलियन पीपल्स यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन 140 कंट्रीज एंड 107 लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 107 लैंग्वेजेस के अंदर 140 मुल्कों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट यूज किया जा रहा है। और कितने लोग यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन पीपल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट 80% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर नाउ इन द माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड एंड मोर देन 400 मिलियन डिवाइसेस आर रनिंग विंडो 10। अब बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि क्या हम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम जो सिस्टम बना रहे हैं, हमारा जो नेटवर्क चल रहा है, क्या वो इतना सिक्योर है एज कम्पेयर टू लिनक्स एंड हमारे पास यूनिक्स। तो हमारे पास बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो आज के दौर में हुआ है कि वाई विंडोज प्रिविलेज्ड अकाउंट्स आर इन द क्रॉस हेयर्स। तो टुडे विंडोज प्रिविलेज्ड अकाउंट्स आर रूटीनली एक्सप्लॉइटेड, रिजल्टिंग इन डेटा जो हमारे पास आता है कि डेटा डैमेज हो रहा है, नेटवर्क सिस्टम्स को एक्सेस किया जा रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितनी भी सस्पेक्टेबल और फर्टन एक्सप्लोइटेशंस आ रही हैं, ये बेसिकली अटैक्स की वजह से आ रही हैं। क्या विंडोज इतने पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हमारा डाटा इलीगली अनऑथोराइजली डिफरेंट जो हैकर्स हैं उनके लिए ये एक्सेसिबल है या नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को अटैकर यूज़ करता है कि अटैक करने के लिए, कि वो कैसे आपके डेटा को इनलीगली अनऑथोराइजली एक्सेस कर सकता है। तो 7 स्टेप्स ऑफ साइबर अटैक्स हैं एंड व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर विंडोज प्रिविलेज्ड अकाउंट्स। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रोजन्स की। तो ट्रोजन्स बेसिकली डिस्कस करते हैं कि ट्रोजन्स है क्या क्या। ट्रोजन्स बेसिकली वो कहता है कि जी विंडोज ट्रोजन्स आर स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी है। अब इसके अंदर हमारे पास जो स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ट्रोजन इज अनऑथराइज प्रोग्राम कंटेन विद इन द लेजिटिमेट प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम परफॉर्म फंक्शन अननोन बाय यूजर, यानी कि वो खुद से ही उन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है जो यूजर्स को पता ही नहीं होता है। बेसिकली ये आपके पास कहा जा सकता है कि जो ट्रोजन है वो बेसिकली आपके उस सिस्टम का पार्ट होता है जो हाइड होता है। जैसे मैंने भी बताया कि ट्रॉय मूवी के अंदर वो लोग उस लकड़ी के घोड़े में छुपे हुए थे, बेसिकली वो सिंबल था पीस का कि सीज फायर है, लेकिन वो सिटी के लोगों को नहीं पता था कि इसके अंदर लोग छुपे हुए हैं। जब वो लोग सो गए तो डेफिनेटली वो लोग फिर बाहर आए, उन्होंने आके उस पूरे सिटी को पूरे लोगों को डिस्टर्ब किया, मारा और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही ट्रोजन भी आपका क्या है, बेसिकली एक आपके पास मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली डेवलप किया जाता है हैकर्स की तरफ से। वो क्या करते हैं, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर के जरिए से आपके सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब उसको सूटेबल टाइम मिलता है, जब उसको सूटेबल प्लेस मिलती है, तो
डेफिनेटली वो फिर क्या करता है, आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ वायरस डेट डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल्स अदर मालवेयर्स। अब ये बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं ये ट्रोजन मालवेयर्स के नाम से भी यूज किया जाता है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक हमारे पास अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रोजन वायरस की बात करें तो ट्रोजन डाउनलोडर एक हमारे पास टाइप आती है, इसी तरह इन ट्रोजन हमारे पास ड्रॉपर्स के नाम से एक हमारे पास वायरस आता है, इसी तरह हमारे पास रैनसमवेयर, हमारे पास ये भी एक टाइप का ट्रोजन वायरस है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, डेट कैन इनक्रिप्ट द डाटा ऑन योर कंप्यूटर, जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। द साइबर क्रिमिनल्स हु कंट्रोल दिस रैनसमवेयर, तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वुड डिमांड अ रैनसम फॉर प्रोवाइडिंग द डिक्रिप्शन की। लाइक कि आपके पास वो हैकर क्या करता है कि आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, फिर वो क्लेम करता है कि डिमांड करता है कि मुझे इतनी पेमेंट की जाए, फिर वो आपको उसकी डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करता है। इसी तरह हमारे पास ट्रोजन बैंकर्स आते हैं, ट्रोजन्स रूट किट्स आते हैं, ट्रोजन्स बैकडोर्स आते हैं, एंड हमारे पास और बहुत सारी टाइप्स हैं जो इस ट्रोजन वायरस के यानी कि टाइप्स में आ रही होती हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ वायरस डेट डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल अदर मालवेयर्स। तो ये एज अ हमारे पास वायरस यूज हो रहा होता है। ऐसे ही अगर हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमने एक प्रोटेक्टिंग वॉल बना रखी है, किसके लिए, उन यानी कि उस एक्सेस के लिए जो अनऑथोराइज है और इलीगल है। अगर हम फायरवॉल की बात करते हैं तो फायरवॉल इज एनी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट आउटसाइडर, यानी कि जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, फ्रॉम द गेनिंग एक्सेस टू योर नेटवर्क। तो हमारे जो भी नेटवर्क को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये एज अ फायरवॉल हमारे पास यूज हो रहा होता है। तो फायरवॉल हमारे पास बेसिकली टाइप डिफरेंट टाइप्स में होती हैं। इसमें पैकेट फिल्टर्स आते हैं, एप्लीकेशन प्रॉक्सीज आती हैं और पैकेट इंस्पेक्शंस आती हैं। अगर हम फायरवॉल को डिटेल में डिस्कस करें तो फायरवॉल बेसिकली हमारे पास एक, आप ये कह सकते हैं यदि फायरवॉल बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि फायरवॉल हमारे पास इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मोनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फायरवॉल टिपिकली इस्टेब्लिश किया जाता है एज अ बैरियर बिटवीन द ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क, यानी कि हम फायरवॉल इस्टेब्लिश कर देते हैं कि जी जो ट्रस्टेड है और अनट्रस्टेड जितना भी हमारे पास वो जो नेटवर्क्स का आपस में इंटरेक्शन हो रही है, वहाँ पे हम चीज़ों को रोक सके, चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो जहाँ पे हम पैकेट्स को भी फिल्टर करते हैं, एप्लीकेशन प्रॉक्सीज को भी देख रहे होते हैं और पैकेट इंस्पेक्शंस भी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास टू टाइप्स आती हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम इसको एज अ सिक्योरिटी यूज कर रहे थे, ट्रोजन्स और हमारे पास फायरवॉल्स। अब हमारे पास कुछ कॉमन स्टेप्स आते हैं जो अटैकर्स यूज करता है किसी के सिस्टम को इलीगली अनऑथोराइजली एक्सेस करने के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रिकनसेंसेस। अभी इसमें बेसिकली होता क्या है कि बिफोर लॉन्चिंग एन अटैक, अटैकर फर्स्ट आइडेंटिफाई अ वल्नरेबल टारगेट एंड एक्सप्लोर द बेस्ट वे टू एक्सप्लॉइट इट। अब बेसिकली जब वो अटैक कर रहा होता है या अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है, तो वो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेसेस को उस सिस्टम की, फिर उसको एक्सप्लोर करता है, फिर वो ढूंढ रहा होता है कि कौन सा ऐसा सूटेबल पाथ हो सकता है, ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां से वो सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। तो अब आप ये देखेंगे जी, जैसे फॉर एग्जांपल अटैकर इज लुकिंग फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री टू गेट स्टार्टेड। अब उसको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो बेसिकली सबसे सीक्रेट हो, वो हाइड भी हो, कि अगर वो सिस्टम के ऊपर कोई सिक्योरिटी आपने अनेबल कर रखी है, सिक्योरिटी आपने उसके ऊपर अप्लाई कर रखी है, तो डेफिनेटली वो फिर उसमें से कुछ ऐसे फ्लॉज को, नेटवर्क के अंदर ऐसे होल्स होते हैं जहाँ से सिस्टम में हम इंटर हो सकते हैं, यानी कि उस वीकनेसेस को, उन वल्नरेबिलिटीज को वो फायदा उठाते हुए उस सिस्टम के अंदर वो जाने की कोशिश करता है। तो वो सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन टाइप्स में आती हैं वो हमारे पास रिकंसेंसेस
कंसेंसस बेसिकली एनसिस के नाम से पहला अटैक आता है। दूसरा वो क्या बेसिकली यूज करता है, स्कैनिंग। अब हमने लास्ट टाइम भी स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्कैनिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, तो कहते हैं वंस द टारगेट इज आइडेंटिफाइड, द टारगेट जो अटैकर है अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई अ वीक पॉइंट दैट अलाउज हिम और हर टू गेन एक्सेस। अब जब वो बेसिकली टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, अब उसका जो सेकेंड जो अटेम्प्ट होती है उस वीक पॉइंट को ढूंढना होता है जिसके जरिए से वो वहाँ पे एक्सेस ले सकता है, वहाँ से वो एंटर हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें कि जैसे हमने अभी बात की थी कि जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कौन से ऐसे वल्नरेबल है, कौन से ऐसी आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, आपने इम्प्लीमेंटेशन जो आपने नेटवर्क के ऊपर कर रखी है एज अ सिक्योरिटी, तो वो अगर कहीं पे उसको लगता है कि यहाँ से जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक की जा सकती है, ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत वीक है जहाँ से हम डेटा को इनलीगली या अनऑथोराइजली एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मोनिटर कर रहा होता है। तो डेफिनेटली अगर हम ये बात कहें कि जी हैकिंग, तो हैकिंग डेफिनेटली ब्लाइंड माइंड और ब्लाइंड आइट से नहीं होती, तो वो पूरे सिस्टम को थारोली चेक करना पड़ता है, ट्रैफिक को देखना पड़ता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है, फिर जाके वो उनको इस बात का पता चलता है कि अब सिस्टम के अंदर ये वो पॉइंट है जो बहुत वीक है जहाँ पे सिक्योरिटी अभी इतनी पावरफुल नहीं है, देन वो जाके वो उस पॉइंट से वो उस सिस्टम को या उस नेटवर्क को अटैक करने की पोजिशन में होता है। तो ऑफन दिस स्टेप प्रोग्रेसिस स्लोली एज द अटैकर सर्चेज फॉर वल्नरेबिलिटीज। तो डेफिनेटली मैंने भी कहा कि ब्लाइंड माइंड और ब्लाइंड आइट से चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर पाते, तो फिर क्या करना पड़ता है कि हमें पूरे सिस्टम को थारोली देखना पड़ता है, उसको थारोली वो मोनिटर करना पड़ता है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हम उस सिस्टम को उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास आता है एक्सेस। बेसिकली अब एक्सेस बेसिकली जो मेजर फैक्टर जो है वो ये है, वंस अ वीक स्पॉट इज डिस्कवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेन एक्सेस एंड देन एस्केलेट प्रिविलेजेस टू अलाउ द अटैकर टू मूव फ्रीली विद इन द एनवायरमेंट। अब उसको एक्सेस चाहिए, जब वो जाहरी बात है कि जब वो उसको स्कैन करेगा उसको पॉइंट फाइंड आउट हो चुका होगा कि ये पॉइंट है जहाँ से मैं उस सिस्टम में दाखिल हो सकता हूँ। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि उसको उसकी एक्सेस मिलनी चाहिए जिसके जरिए से वो फ्रीली मूव कर सकता है पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे के पूरे एनवायरमेंट के अंदर। उसके पास सारे प्रिविलेजेस होंगी, सारे राइट्स होंगे, वो जिस मर्जी, यानी कि आप देखें अगर आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो आप डिफरेंट प्रिविलेजेस और राइट्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि आपके पास सिस्टम एनालिस्ट क्या कर सकता है, आपका टेक्निकल टीम लीडर क्या कर सकता है, और इवन आपके जो यूज़र्स हैं या नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं या नेटवर्क इंजीनियर्स हैं वो कहाँ तक उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। अगर तो हम इनलीगली या अटैकर इनलीगली आपके सिस्टम का पार्ट बन रहा है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, तो उसकी कोशिश होगी कि वो बेसिकली उस एक्सेस को हासिल करे जिसके ज़रिए से वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे सिस्टम के अंदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो मूव कर सकता है, वो किसी भी फाइल को, फोल्डर को, किसी भी डायरेक्टरी को वो एक्सेस कर सकता है, वो किसी भी डाटा को मोल्ड कर सकता है। तो वंस द अटैकर कैन एक्सेस एंड प्रिविलेजेस आर एस्केलेटेड दे हैव effectively taken over your system. तो सारी बात है जब उसको वो पूरा पॉइंट मिल जाएगा, वो सिस्टम मिल जाएगा, तो वो आपके सिस्टम की पूरी एक्सेस हासिल कर सकता है, वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता है, वो डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, वो डाटा क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को डिलीट कर सकता है एटसेट, तो वो हमारे पास पॉइंट थ्री में आता है। पॉइंट फोर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एक्सफिल्ट्रेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, नाउ दैट द अटैकर कैन फ्रीली मूव अराउंड द नेटवर्क ही शी कैन नाउ एक्सेस सिस्टम विद एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट सेंसिटिव जो सेंसिटिव डाटा है एंड टेक हिज हर टाइम एक्सट्रैक्टिंग इट। अब इसका मतलब क्या है कि जब उसको एक्सेस मिल चुकी है, एक्सेस मिल गई है, तो डेफिनेटली अब वो क्या कर सकता है, वो आपके सिस्टम के उस
सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक, उस सेंसिटिव डाटा तक पहुंच गया जहां से उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वहां से डाटा को फेच कर सकता है, वहां से डाटा को किसी और थर्ड प्लेस के ऊपर स्टोर करवा सकता है। मे बी सीक्रेट डाटा की कॉपीज को जनरेट किया जा रहा हो, मे बी वहां से सीक्रेट डाटा की जो आपके पास इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, मे बी इनके अंदर जाके कोई चेंजेस की जा रही हैं, जैसे हैकर्स कहते हैं कि लाइक अगर आपने किसी भी ऐसे सिस्टम को एक्सेस किया है जिसको आप मॉडिफाई करने से आपको कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम ये बात करते हैं जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, अगर कोई इलीगली या अनऑथराइजली हमारे उस सिस्टम को एक्सेस कर लेता है तो वो हैकर क्या कर सकता है, वो जाके रिजल्ट के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर सकता है, वो रिजल्ट्स के ग्रेड्स को चेंज कर सकता है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहा है तो हैकर जो है वो जाके उसके ग्रेड्स को मॉडिफाई कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज जो मिलीशियस हैं वो सारा जो सीक्रेट फाइल्स हैं जहाँ पे जाके हमारा डाटा स्टोर हो रहा था उसमें कुछ भी वो मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो बेसिकली ये स्टेप 4 में आ रहा था। स्टेप 5 के अंदर हमारे पास स्टेनमेंट आती है, उसमें बेसिकली क्या होता है, विद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थ्रू आउट योर नेटवर्क द अटैकर सीक टू रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग एज पॉसिबल as long as possible by secretly installing malicious programs like rootkits that allow the attackers to return as frequently as desired. So अब आप देखें कि rootkits हैं, rootkits basically हमारे पास rootkits क्या होती हैं, जैसे हम ये बात करते हैं जी के फॉर एग्जाम्पल हम की स्टॉक्स की बात कर रहे होते हैं, हम की लॉगर्स की बात कर रहे होते हैं, तो जो जो एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो उसकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पीछे बैकएंड पे, फॉर एग्जाम्पल अगर अटैकर जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता है इन सॉफ्टवेयर्स को, उसको सारी की सारी एक्टिविटीज़ का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का वो पता चल रहा होगा, एज अ वो आप ये कह लें कि वो मिलीशियस जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को उठाते हैं और उसको थर्ड किसी सिस्टम के ऊपर सेंड कर रहे होते हैं, तो जहाँ से वो अटैकर उस सारी इन्फॉर्मेशन को मोनिटर कर रहा होता है उसको इनलीगल और अनऑथराइज और डिफरेंट अदर पर्पजेज के लिए वो यूज़ कर सकता है। अब इसमें बात होती है हमारे पास रूट जो हमारे पास आती है कि रूट किट्स, बेसिकली रूट किट्स है क्या चीज़, तो रूट किट के बारे में हम अगर देखें ज़रा डिटेल से तो रूट किट कहता है कि इज़ अ मिलिशियस सॉफ्टवेयर डेट अलाउज एन अनऑथोराइज यूजर टू हैव प्रिविलेज एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड टू रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें कि रूट किट में contain a number of malicious tools such as keylogger आ सकते हैं, banking credentials आ सकते हैं, इसी तरह ही हमारे पास password spellers आ सकते हैं, antivirus disabler आ सकते हैं and boots for DDoS attacks। तो basically ये सारी root kit में आती हैं कि हम different malicious softwares implement कर सकते हैं उस system के ऊपर जाके सिर्फ monitoring purpose के लिए, software को सॉफ्टवेयर के जरिए से पासवर्ड्स को देख सकते हैं हम, किसी के बैंक के क्रेडेंशियल्स को, उनकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकते हैं, वहाँ से हम उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, वहाँ से हम किसी एंटीवायरस को जो इफेक्टिवली उस सिस्टम पे अनेबल है वो सिस्टम को सिक्योर कर रहा है तो उसको जाके वो डिसेबल कर सकता है। इसी तरह ही हमारे पास डीडोस अटैक्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के, वहाँ पर जाके ऐसी बेसिकली वीकनेसेस क्रिएट कर दी जाएँ, ऐसी वहाँ पे जाके हर्डल्स क्रिएट कर दी जाएँ जो सिस्टम में वो जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसको जाके डिसेबल कर रहा है, वो प्रॉपरली उन सर्विसेज को नहीं यूज़ कर पा रहा होगा जिससे वो सिस्टम हेल्ड हो जाएगा, तो अटैकर एक थर्ड वे से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अगर हमारे पास जो 6 पॉइंट आता है, 6 पॉइंट में हमारे पास असॉल्ट आते हैं, बेसिकली असॉल्ट हमारे पास बेसिकली दिस स्टेप वाइल नॉट ऑलवेज पार्ट ऑफ एन अटैक, तो बेसिकली ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा आपके अटैक का ये पोर्शन नहीं होता, इस द स्टेज व्हेन द अटैकर माइट चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ योर हार्डवेयर और डिसेबल इट ऑल टू गेदर। तो ये बेसिकली ये क्या करता है कि आपके उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी को चेंज कर देता है, हार्डवेयर डिसेबल कर देता है, हार्डवेयर फॉर एग्जांपल जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं लाइक कोई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है तो वो जो
मॉनिटरिंग का जो पर्पज है, वो जो डेटा कैप्चर कर रहा है वो डेटा कैप्चरिंग नहीं कर रहा होगा, वो डेटा को स्टोर नहीं कर पा रहा होगा, वो डेटा को अगर वो स्टोर करके कोई रिजल्ट्स जनरेट कर रहा है तो वो रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर पाएगा। वंस अकम्पलिश्ड, द अटैकर हैज इफेक्टिवली टेकन कंट्रोल ऑफ योर नेटवर्क, मेकिंग इट टू लेट फॉर यू टू डिफेंड योर सेल्फ। तो डेफिनेटली हमारे पास ये सारे का सारा सिस्टम जो है, ये बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी को डैमेज किया जा रहा है, इसमें हमारे पास जितनी भी हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटीज है उसको डिसेबल किया जा रहा होता है। आगे जो सेवन स्टेप है वो हमारे पास आता है एप्लीकेशन। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यूजली द अटैकर्स वांट टू हाइड देयर ट्रैक, बट समटाइम्स द बोल्ड हैकर्स मे वांट टू लीव अ कॉलिंग कार्ड। अब ये बेसिकली हमारे पास होता है क्या, अटैकर जो होता है वो सारे ट्रैक को हाइड कर रहा होता है, यानी कि किसी को पता ना चले कि किस तरह से ये सारी एक्टिविटीज की जा रही है, कहाँ कहाँ से किस फोल्डर में मूव किया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो बड़ा बोल्ड स्टेप ले रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को, वो अपने नॉलेज को लोगों के लिए छोड़ के जा रहे होते हैं, यानी कि वो ये शो कर रहे होते हैं कि हम इतने पावरफुल हैकर हैं कि हम यहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हैं, तो आप हमें एक्सेस कर रहे हैं या हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो आपको बता रहे होते हैं कि हम किसी भी टाइम पे आके आपके सिस्टम में कुछ भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिहाइंड टू ब्रेक अबाउट हिज और हर अचीवमेंट व्हाइल डूइंग सो द अटैकर्स ट्राइज टू कंफ्यूज। अब वो किस बात पे कंफ्यूज हो रहा होता है, दिस ओरिएंट एंड डाइवर्ट योर जो हमारे पास फ्रेंसिक आती है एग्जामिनेशन प्रोसेसेस वाई लॉग क्लीनर्स की बात करते हैं, स्पूफिंग की बात करते हैं, आपके पास इस तरह से बैकबोन्स की हैं, हॉप्स की हैं, जॉम्बीज अकाउंट्स की हैं, ट्रोजन कमांड्स की हैं एटसेट्रा। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे अटैकर्स सिर्फ फ्रेंसिक बेसिकली हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सारी एक्टिविटीज को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, किस तरह से सिस्टम के अंदर दाखिल हुआ गया है, किस तरह से सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की गई है, अगर एक्सेस हो गया तो किस तरह से डेटा को वहाँ से एक्सेस करके डैमेज किया गया। तो वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिनके जरिए से हम उन सारी इंफॉर्मेशंस को ले रहे होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे अटैकर्स, जैसे अभी बताया गया, बहुत सारे अटैकर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा ये कह लें कि जी वो कॉन्फिडेंस से चीज़ों को बता रहे होते हैं, या वो ऐसे पॉइंट्स या वो ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ के जा रहे होते हैं जिनके जरिए से वो अपने नॉलेज को या अपनी वो सारी की सारी अचीवमेंट को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन तक, के एज अ थ्रेटेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी भी किसी भी टाइम आपके सिस्टम को कैप्चर किया जा सकता है। अब ये हमारे पास सेवन जो हमारे पास टाइप के अटैक्स हैं जो मोस्टली अटैकर यूज करता है, यानी कि अब ये कह लेंगे ये स्टेप्स हैं जो अटैकर यूज करता है आपके सिस्टम को अंदर या सिस्टम की एक्सेस को हासिल करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम मोस्टली देखेंगे कि जी हमारे पास फर्दर क्या क्या ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन अटैक्स में हमारे पास बहुत सारी अटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पूफिंग क्या होती है, स्पूफिंग से फिर हम वो सेशन हाईजैकिंग की बात वहाँ पे करेंगे, सेशन हाईजैक क्या होता है, इस तरह से ही स्पूफ जो किया जा रहा होता है, तो स्पूफिंग के अंदर हमारे पास वेब स्पूफिंग आती है हमारे पास, और इसके बाद आईपी स्पूफिंग की बात करते हैं, ईमेल स्पूफिंग की बात करेंगे, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो डिनाइल ऑफ सर्विस की बात है, सेशन हाईजैकिंग का है। इसके बाद सेशन हाईजैकिंग हमारे पास बेसिकली क्यों हो रही होती है, डिनायल ऑफ सर्विस बेसिकली है क्या, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए से हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स जो है अटैकर्स वो कर सकता है अटैक हमारे सिस्टम के ऊपर, और अदर बहुत सारे डिनायल ऑफ सर्विस जो डॉस अटैक्स है उसकी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें बहुत पॉपुलर जो टाइप है पिंग ऑफ डेथ है, इसी तरह ही हमारे पास सीपीयू हॉन्ग है, इसी तरह ही हम अगर बात करते हैं तो स्मर्फ की बात करते हैं, तो बहुत सारी और हमारे पास चेक पॉइंट्स आते हैं, फायरवॉल, डॉस, वल्नरेबिलिटीज हैं, तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बफर ओवरफ्लो अटैक्स को के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली जो नेटवर्क सिक्योरिटी है
ये आज का जो दौर है, ये उस दौर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि डेटा को सिक्योर करना है। तो लास्टली अगर हम चीज़ों को सम अप करें तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो हमारे पास डेटा का है कि डेटा सिक्योर होना चाहिए। हार्डवेयर बेसिकली अगर हमारे पास डैमेज होते हैं तो डेफिनेटली इनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। हम एक नया हार्डवेयर ला के इंस्टॉल कर सकते हैं जो उसकी सेम फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास जो डेटा है, अगर इसको एक्सेस कर लिया गया इलीगली या अनऑथराइज, लाइक अगर मैं कहता हूँ किसी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को एक्सेस कर लिया जाए इलीगली या अनऑथराइजली, तो कुछ डेटा को या कुछ हमारे पास जो ट्रांजेक्शन हैं वो किसी मिलीशियस अकाउंट में सेंड कर दी जाए, तो उससे हमारे पास जो बेसिकली डिजास्टर आ सकता है, जो नुकसान आ सकता है एज कम्पेयर टू हमारे पास ये कहने के हार्डवेयर या हमारे पास फिजिकल एसेट्स, वो हमारे पास ज्यादा हो सकता है। फिजिकल आपको पता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो डेफिनेटली रिप्लेसेबल होते हैं, वो रिपेयरेबल होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनटेंजिबल की, या हम सॉरी हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जो हमारे पास ये कह लें कि एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ अगर ये बात की जाए कि वो एसेट्स जो हमारे पास फिजिकल नहीं है लेकिन हमारे पास वो एसेट्स एज अ सिस्टम ओरिएंटेड हैं, वो चीज़ें अगर डिस्टर्ब कर हो जाएं या उनको इनलीगली अनऑथराइजली एक्सेस किया जाए तो हमारे सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लेता हूँ कि नेटवर्क सिक्योरिटी हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसको हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली हमारे पास एक ब्रांच है। अब ये कह सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रिवेंटिव हमारे पास मेजर्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द अंडरलेइंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज, हमारे पास इस तरह से मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शंस और इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर, देयर बाय क्रिएटिंग अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर यूजर्स एंड प्रोग्राम्स टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज। तो बेसिकली अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने सिस्टम को इतना सिक्योर बनाएं, हम अपने सिस्टम के अंदर वो जो फॉल्स है, वो जो फ्लॉज है, वनरेबिलिटीज आ रही हैं, उनको हम वो कम कम से कम या उसको मिनिमाइज करें कि जी जहाँ से कोई भी इनलीगली अनऑथराइजली हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फर्दर हम अटैक्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उन एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से जो मोड्स ऑफ हैकर अटैक्स हैं वो कैसे काम करते हैं और उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।